Run up to the UP polls, Mayawati has sacked over 21 ministers in the last 6 months. However, after one of her sacked ministers broke down 3 days earlier, demanding answers to why he was sacked, two more ousted ministers have spoken out against the chief minister. A former minister has now claimed he was sacked after he refused to pay 4 crore for a poll ticket. Another minister, Sajil Islam Ansari, claims Mayawati denied him a ticket and sacked him after he refused to acquire prime property for Mayawati in Noida. जमीन थी अफगानिस्तान की, तो वो मुख्यमंत्री को उसको फ्लीवर्ड कराना चाह रही थी ताकि बड़े बड़े बिल्डर्स को दे सके। बार बार प्रमुख सचिव दीपक हमारे पास आए हमसे साइन कराने के लिए, साइन करने से इनकार कर दिया। हमने अपने लीगल एडवाइजर से राइट मना कर दिया कि अगर आप फोन करें हर किसी दिन की आग आगे किसी सरकार यही एक वजह मानते हैं अपने यही एक वजह है। और जो आप जैसे कि आप बता रहे थे तो क्या कारण लग रहा है कि मायावती ने आपका टिकट काट दिया जबकि कुछ दागी विधायकों के टिकट बने हुए हैं जबकि उनके सबसे पहले कटने चाहिए? वो तो बात ठीक है भाई, ये तो अपना अपना सेटिंग है, कोई किसी ढंग से सेटिंग करता है, कोई किसी ढंग से सेटिंग करता है, और जो वैसे लोग होते हैं वो अपने वर्क के ऊपर सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से काम करने की सेटिंग से ही लोग बहुत संतुष्ट होंगे, ये सब अच्छे कार्य करते हैं। हो सकता है वो हमारा स्टेप सफल ना रहा हो और उनका सफल रहा हो। मुझ पर दोषारोपण होना किसी ने लगाया बहुत ही गलत था, और जिस ढंग से उन्हें गुमराह करके ये स्टेप उठाया गया उसके लिए मुझे बड़ा दुख हुआ।